गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। लेसन क्या है? वन एट ए टाइम, यूनिट फर्स्ट, पेज नंबर 7। लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी। लिसन मतलब सुनना होता है, केयरफुली मतलब ध्यान देना होता है, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना। तो बच्चों आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। वो कहानी में है एक लड़की रहती है और उसकी दादी रहती है। लड़की को क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है। और दादी ने उसके लिए केक किस में रखा है? चॉकलेट, एक जार में चॉकलेट भरकर रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कहानी इसका हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं। प्रिया लाइक्ड चिप्स। प्रिया को क्या पसंद है? लाइक्ड चिप्स, चॉकलेट पसंद है। बच्चों आप लोगों को भी चॉकलेट बहुत पसंद लगता है, बहुत मन से खाते हो चॉकलेट, है ना? इसी प्रकार प्रिया को भी चॉकलेट बहुत पसंद है। हर ग्रेनी हैड ए जार। उसकी दादी ने क्या किया था? एक जार में चॉकलेट भर कर रखी थी, फुल ऑफ शिव, पूरा फुल कर कर मतलब भर कर रखी थी। सी गेव ए प्रिया वन स्वीट एट ए टाइम। क्या हुआ? दादी माँ प्रिया को क्या करती थी? वन स्वीट एट ए टाइम, एक बार में एक चॉकलेट देती थी। बट प्रिया वांटेड मोर। लेकिन प्रिया क्या चाहती थी? ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट उसको लेना चाहती थी। उसको पसंद था ज़्यादा से चॉकलेट मुझे मिले, मेनी मेनी मोर, ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट मुझे मिले। सी क्विकली पुट हर हैंड इन द जार ऑफ चिप्स। उसने क्या की? जार में जो कांच का बॉटल था उसमें अपना क्या की? तुरंत हाथ डाली और क्या की? पुट हर एंड जार ऑफ चिप्स, उसमें से शूज निकालने लगी, चॉकलेट निकालने लगी। शी टू वन टू फाइव टेन मिनट। और उसने क्या किया? एक निकाला, दो लिया, पांच लिया, दस लिया, मैंने बहुत सारे चॉकलेट ले ली। बट हर हैंड वाज स्टक इन द जार। लेकिन क्या हुआ? उसका हैंड उस जार में फंस गया। क्या हुआ बच्चों? उस जार में फंस गया। शी कुड नॉट टेक एट आउट इट आउट। क्या हुआ? उसका हाथ उस जार में से कुड नॉट टेक इट आउट, निकाल नहीं पा रही थी, निकल नहीं रहा था। सी बिगेन टू क्राई। तब उसने क्या की? रोने लगी। ओह व्हाट सर आई डू, अब मैं क्या करूँ? लेट गो ऑफ द शूज सेड हर ग्रेनी। तब दादी माँ बोलती हैं, थोड़ा सा उसमें से चॉकलेट हाथ से छोड़ो, शूज छोड़ो, थोड़ा सा चॉकलेट छोड़ दो। प्रिया लेट गो, प्रिया लेट गो ऑफ सम शूज। प्रिया ने क्या की? थोड़ा सा चॉकलेट उसने हाथ से छोड़ा, शूज छोड़ा। स्टिल फिर भी उसका हाथ क्या हुआ? हर हैंड वुड नॉट कम आउट, फिर भी उसका हाथ निकल नहीं रहा था। सी लेट गो ऑफ सम मोर शूज। उसने क्या की? फिर थोड़ा सा हाथ मिशे चॉकलेट नीचे जार में गिराई। नाउ देयर वॉज ओनली वन इन हर हैंड। फिर उसके हाथ में गिराते गिराते क्या बच्चा बच्चों? केवल वन इन हर हैंड, वो ओनली वन इन हर हैंड, उसके हाथ में केवल एक चॉकलेट बचा। हर हैंड कम आउट ऑफ द जार इजली। फिर लास्ट में क्या हुआ? उसका हाथ जार में से आसानी से बाहर निकल गया। सी बिगन टू स्माइल। तब क्या हुआ? प्रिया बहुत खुशी से हंसने लगी। एंड लुक एट हर ग्रेनी। और उसने किसके तरफ देखने लगी? वह अपने दादी की तरफ देखने लगी। ग्रेनी स्माइल टू। तब दादी उसको स्माइल दी, हंसी। प्रिया से प्रिया बोली, नाउ आई विल टेक ओनली वन एट ए टाइम। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, एक समय में एक ही चॉकलेट निकालूंगी। इससे बच्चों यह होता है कि बच्चों के अंदर लालच होता है, उनको एक चॉकलेट नहीं, उनको बहुत सारे चॉकलेट एक साथ लेना चाहते हैं, है ना बच्चों? लेकिन चॉकलेट लेते उसके हाथ भी फंस गया। इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए बच्चों, और अपने से बड़ों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, उनके अनुसार ही चलना चाहिए। समझे बच्चों? ये आप लोग का लेसन है, ये आपका मैंने पाठ पढ़ाया है, आप लोग पढ़ेंगे और जो भी पढ़ाया ध्यान देंगे। थैंक यू।
बच्चों।